रजगमार ऑटो स्टैंड के समीप ग्राम उप सरपंच पूनम चौरसिया आमरण अनशन पर बैठ गई हैं। सुबह से अनशन पर बैठी पूनम का साथ देने बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि समाज सेवी और भाजपा के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी भी पहुंच गए। सरपंच है ब्रिज कुमार राठिया जी, काफी समय से यहाँ अपने मनमानी ढंग से कार्य किया जा रहा है उनके द्वारा, और जो गरीब जनता है, आम जनता है, जिसको जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो अपनी गठरी को मजबूत करने के लिए इतनी गठान बांध चुके हैं, उसको खोल पाना गरीब के लिए नामुमकिन हो चुका है, और उसको खोलने के लिए आज हम लोग यहाँ पे हड़ताल करके बैठे हैं, और हम जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ जारी रखेंगे। यहाँ भ्रष्टाचार है, जो पैसा गबन किया गया पंच सचिव के अनुसार, इसलिए यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ दो साल हो गया करीबन, हमारे वार्ड में तो काम हो ही नहीं रहे, कुछ भी काम करने के जा रहे हैं तो सरपंच अपने डायरी में लिख ले रहे हैं, उसके बाद उसको रजिस्टर में चढ़ा ही नहीं रहे। यहाँ सरपंच है पैसा वैसा के घोटाला करे है ना, ओकर ही सब लेते हैं, सब चीज के घोटाला करते थे, कोई जनता ला मालूम नहीं है, और ये चीज के निकल गए कि खा चुके हैं और पैसा बतात नहीं है, ओकर नाम से हमन बैठे हैं कर दे। श्रीमती पूनम चौरसिया ने बताया कि रजकामार पंचायत में चल रहे भ्रष्टाचार व गबन के उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर वे आमरण अनशन पर बैठी हैं। हमारे पंचायत में 1,40,00,000 रुपए 14 वर्ष से आया है, और मूलभूत से 30,70,000 रुपए के लगभग आए हैं, और हमारे पंचायत में कोई वैसा काम नहीं हुआ है। सरपंच सचिव और कुछ पंच लोग वो पैसे को मतलब बांट करके मतलब खा गए हैं, और कोई विकास नहीं हुई है हमारे पंचायत में। इसके लिए आज हम लोग अमरण अनशन पे बैठे हैं, जब तक कलेक्टर महोदय हमारा आकर के हमारे पंचायत का जांच नहीं करवाते हैं तब तक हम लोग यही बैठे रहेंगे, निष्पक्ष हमारे पंचायत का जांच किया जाए। महिला उप सरपंच द्वारा शुरू किए गए आमरण अनशन को ग्रामीणों का समर्थन भी मिल रहा है। रजकमार से ACN न्यूज के लिए मनोज दिनकर।